अब्दू के जाने से शिव, निमृत, टीना, एमसी स्टैन टूट गए हैं। जी हाँ, जनता के भी आंसू निकले हैं। क्या है पूरी अपडेट, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब्दू रोजिक जो है वो जनता की, कंटेस्टेंट्स की, हर किसी की जान बन गए हैं, क्योंकि वो एक प्योर सोल है घर के अंदर, और जिस तरीके से उनका उनका प्रेजेंस ही सभी के लिए इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उनको देखकर लोग भूल जाते थे अपने अपने दुख, परेशानियां सब भूल जाते। उनकी एक स्माइल ही इतनी प्यारी है, और इसीलिए लोग उनको देखना काफ़ी पसंद कर रहे थे। जब वो पहली बार घर से बाहर निकल कर आए थे अपने वर्क कमिटमेंट्स को लेकर, तभी लोग अपसेट थे और वेट कर रहे थे कि कब वो वापस आएंगे अब्दू रोजिक, कब घर के अंदर उनकी एंट्री होगी, क्योंकि शिव और अब्दू की बॉन्ड सबसे ज़्यादा वो बॉन्ड देखने के लिए, क्योंकि जो मस्ती करते थे, एक दूसरे को परेशान करते थे, वो लोग देखना चाहते थे। फिर उसके बाद अब्दू आ जाते हैं और एक खुशी की लहर घर के अंदर आ जाती है, सभी खुश हो जाते हैं उनकी एंट्री से, और एक शिवदू मोमेंट्स हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन अब जिस तरीके से प्रोमो बाहर आया है, और हमने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि अब्दू रोजिक जो है अपने वर्क कमिटमेंट्स को लेकर उन्हें घर से बाहर आना होगा, और लो ऐसा ही हो गया। प्रोमो में हमने देखा कि वो घर से बाहर, बिग बॉस ने बोल दिया कि 16 साल के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है, फिर अब्दू बाहर निकल गए और बाय सबको बोल के गए, और सभी बिलख बिलख कर रोने लगे, चाहे वो शिव हो, निमृत हो, स्टैन हो, सुंगुल हो। टीना कहती है कि मतलब उसको देख के, वो हमेशा मेरे लिए रहा है, और उसको देख के अच्छा लगता है। अर्चना भी उदास लग रही है। तो इस तरीके से हर लोग अपसेट हैं अब्दू के जाने से, और सबसे ज़्यादा शिव, क्योंकि शिव बहुत बुरी तरीके से रोते हुए नजर आ रहे हैं, और रोएंगे क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने अब्दू के साथ उनका एक अलग ही बॉन्ड है, जो कि जनता को काफ़ी पसंद है। और कमेंट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सब यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिग बॉस से कि प्लीज़ बिग बॉस ऐसा मत करो अब्दू के साथ, ऐसा मत करो, उसे मत जा दो, हमें अब्दू चाहिए, हमें अब्दू फिनाले तक चाहिए। और काफ़ी इमोशनल कमेंट्स आ रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि अब्दू वापस आ जाए, और डेफिनेटली अब्दू फिनाले में तो होंगे, लेकिन उनके वर्क कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से उन्हें बाहर आना पड़ रहा है। लेकिन आप सभी के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि आपके पास मौका है अब्दू से मिलने का। जी हाँ, फिनिक्स मार्केट में वो आएंगे, डुबलिंग स्क्वायर जो है वहाँ से 15 तारीख को आप मिल सकते हैं, देख सकते हैं अब्दू को। जी हाँ, कितना मिस करेंगे आप अब्दू को हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और देखते रहिए फिर बाबू उसी तरीके की अपडेट्स।